दोस्तों क्या हुआ जब एक मुस्लिम ने जिंदा नाग को काट दिया और उसी नागिन ने फिर 3 घंटे बाद जो किया उसे देख सभी लोग हैरान रह गए। दोस्तों आज हम इस वीडियो में झारखंड में हुई नागिन के बदले की एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले महादेव के भक्त सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों ये घटना झारखंड के गांव की है जहां एक बिछड़ा गांव है और इस गांव में हर जाति के लोग एक साथ रहते हैं और वह लोग अपना पेट जंगल में शिकार करके भरते हैं। सभी लोग जंगल जाकर एक साथ शिकार किया करते थे और उसी शिकार को पकाकर अपना पेट भरते थे। दोस्तों एक बार मुस्लिम झुंड मिलकर जंगल में शिकार करने के लिए गया। उनमें से एक मोहम्मद रशीद नाम का व्यक्ति झुंड से अलग हो गया और अपना शिकार ढूंढने लगा। दोस्तों तभी अचानक से इच्छाधारी नाग उसके सामने फन फैलाकर खड़ा हो गया। रशीद अच्छा खासा शिकारी था तो उसने अपने हाथ में पकड़े तेज धार वाले हथियार को नाग के ऊपर दे फेंका और बदकिस्मती से उसका निशाना सही लगा और रशीद के हथियार से नाग का सर धड़ से अलग हो गया। वहीं कुछ दूरी पर दोस्तों नाग की नागिन ने ये दृश्य देख लिया और भागती हुई रशीद की तरफ बढ़ी। जब रशीद ने देखा कि उसकी नागिन ने ये सब कुछ देख लिया है तो अब ये हमला ज़रूर करेगी, तो उसने तेज़ी दिखाते हुए जंगल से भागना शुरू कर दिया। नागिन भी पूरी तेज़ी से भागते हुए रशीद का पीछा करने लगी। आखिर 2 घंटे दौड़ने के बाद रशीद का पैर अचानक एक पत्थर से टकरा गया और वह वही उसी जंगल में गिर गया। जंगल घना था इसीलिए रशीद रास्ता भटक गया और नागिन की पकड़ में आ गया। तभी उस नागिन ने रशीद के पैर पर डसना शुरू कर दिया और फिर पूरे शरीर पर डस डस कर उसकी जान ले ली। इससे भी जब उसका मन नहीं भरा तो उस नागिन ने एक महिला का रूप ले लिया और जिस हथियार से रशीद ने उसके नाग को मारा था उसी हथियार से उस नागिन ने भी रशीद पर अनगिनत वार किए। ये घटना रशीद के साथियों ने दूर से खड़े होकर देखी। दरअसल वह लोग रशीद को ही ढूंढ रहे थे, इतने में उन्होंने उस नागिन को रशीद पर हमला करते हुए देख लिया और फिर महिला का रूप बदल कर फिर जो उसने किया, फिर किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वह रशीद के पास जाकर उस नागिन को रोक सके और उसको बचा ले, क्योंकि रशीद के साथी समझ चुके थे ये कोई साधारण नागिन नहीं बल्कि एक इच्छाधारी नागिन है। दोस्तों फिर रशीद के साथियों ने अन्य लोगों को बुलाकर वहां से रशीद को उठाया और गांव में लेकर आए। रशीद की हालत ऐसी थी कि कोई उसे देख भी नहीं पा रहा था। उसके बाद रशीद को मुस्लिम धर्म के अनुसार मुक्ति दी गई, जिसके बाद लोगों ने उस जंगल में जाना ही छोड़ दिया। वह नागिन उस जंगल में किसी को भी कोई भी कार्य नहीं करने देती। उसे पता चल जाता है कि जंगल के किस तरफ कोई मनुष्य आया है तो वे तुरंत बाहर जाकर उन पर जानलेवा हमला कर देती है। दोस्तों वहां के लोग आज भी मानते हैं कि उस जंगल में नागिन का राज है। आज भी लोग उस नागिन के खौफ से उस जंगल में नहीं जाते। दोस्तों इस कहानी से ये तो स्पष्ट हो गया कि हमें कभी भी नाग नागिन के जोड़े को अलग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका अंजाम बहुत ही खतरनाक होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।